हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू फ्लेवर। आज मैं दाल बाटी बनाने वाली हूँ, वो भी महाराष्ट्रियन स्टाइल। महाराष्ट्र में इसे बट्टी या फिर बाफला बट्टी कहा जाता है। तो शुरू करें रेसिपी। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 छोटे चम्मच सूजी। इससे हमारी जो बाटी है वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इसे हम ऐसे हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे, इससे अच्छा स्वाद आता है। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, बेकिंग पाउडर और 2 से 3 चम्मच ऑयल हमें इसमें डालना है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूंद लेते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है। जैसे पूरी के लिए हम बनाते हैं वैसे टाइट डो हमें यहाँ पे बनाना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंदकर हम आटा बना लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के एक बार हम इसे फिर से अच्छे से गूंद लेते हैं और अब 20 मिनट के लिए हम इसे साइड में रखते थे कवर करके सेट होने के लिए। और अब हमने आटे की इक्वल साइज की लोही बना ली है और इसकी लेयर्ड बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें से एक लोही लेंगे और उसे पूरी की साइज में ऐसे बेल कर लेना है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा सा सूखा आटा इस पे स्प्रेड करके इसे फोल्ड करना है। फिर से ऑयल और सूखा आटा स्प्रेड कर लेना है और इसको किनारों को जोड़ते हुए इसे ऐसे बंद कर लेना है। और अगर कहीं पे भी आपको लगे कि बाटी थोड़ी सी खुल रही है तो फिंगर की हेल्प से उसे ऐसे सील कर लेना है और फिर से इसे राउंड शेप में बाटी को बना लेना है। तो सेम प्रोसेस से हम सारी बाटी बना लेते हैं। और अब हमने बाटी फ्राई करने के लिए कुकर में ऑयल लिया है 1 इंच तक। आप इसे फ्राई करने के लिए किसी भी मोटे और फ्लैट बॉटम के बर्तन का यूज कर सकते हैं। आधे से ज्यादा बाटी हमारी डीप हो सके इतना ऑयल हमें उस बर्तन में लेना है। और फिर ऐसे सावधानी से हम इसमें एक एक बाटी ऐसे रखेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि जब हम बाटी रखें तो ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना हो तभी हम इसमें बाटी ऐसे रख देंगे और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। सारी बाटी हमने इसमें रख दी है और अब हम इसे कवर कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद बीच बीच पे हमें ऐसे इसे चेक करते रहना है और उसे पलट के ऐसे दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही हम इसे ऐसे पलट देंगे फिर से इसे एक बार से कवर कर लेना है। और अब हमारी बाटी सभी साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसे पूरी तरह से फ्राई करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं। बाटी जब इस तरह से बनती है ना तो बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया बनती है। अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करोगे तो हर बार आप ऐसे ही बाटी बनाओगे। 1/2 कप अरहर यानी कि तूर डाल लिया है जिसे मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें मैं 1.5 कप पानी डालने वाली हूँ, यानी जितनी दाल हमने यूज की है उसके 3 टाइम्स पानी हमें डालना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 सीटी होने तक इसे हम प्रेशर कुक कर लेते हैं। और मीन टाइम में दाल के लिए हम मसाला बना लेते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम होते ही हम इसमें थोड़ी सी सरसों, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, पिंच ऑफ हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट 1 छोटा चम्मच डालकर इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच सांभर मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारे सूखे मसाले हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा बारीक कटा हुआ टोमेटो। टोमेटो को हम सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। इसमें हमने सांबर मसाला यूज किया है क्योंकि भट्टी के साथ जो दाल हमें बनानी है वो सांबर वाली टेस्ट वाली बनानी है, और इसके लिए मैं जो अभी घर पे वेजिटेबल्स अवेलेबल है वही यूज करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे बैंगन, कैरेट्स और लौकी लिया है। सारे वेजिटेबल्स अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करना है। 2 मिनट के बाद जैसे ही हमारी वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और अब हमने जो दाल को प्रेशर कुक करके रखा है उसमें हम ये सारे वेजिटेबल को ऐड करेंगे। इसे हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी इसमें ऐड करें। और अब इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी इमली और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से स्प्रेड करके इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और अब हमारी जो दाल है वो सर्विंग के लिए रेडी है।